खानाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने कहा है कि 1966 के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के शीर्ष नेता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पधार रहे हैं। राहुल गांधी के आगमन पर आश्रम को रंग रोगन और खूबसूरत साज सज्जा से सजाया जा रहा है और राज्य भर के कांग्रेसी हजारों की संख्या में आने की तैयारी में है। जहानाबाद जिले से भी सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के लोग पटना चल रहे हैं, जहां वे अपने राष्ट्रीय नेता का स्वागत करेंगे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। 23 तारीख को महागठबंधन के तमाम देश के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब और जन जन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं और इस कार्यक्रम के इतर सदाकत आश्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जन जन के नेता सदाकत आश्रम में जाएंगे, समय देंगे और वहाँ कांग्रेसियों से बात करेंगे, उनकी तैयारी में उनके स्वागत करें। जहानाबाद से सैकड़ों कार्यकर्ता पटना जा रहे हैं और हम अपील करते हैं जहानाबाद के कांग्रेस कर्मियों, जो कांग्रेस अपने आप को कांग्रेस समझते हैं, उनको पटना चले। हम लोग 5:45 में ट्रेन है, उसी ट्रेन से जहानाबाद के सभी कार्यकर्ता और मैं भी साथ ही चलूंगा धरना और जन्ना लेकर के, और वहां जाकर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश प्रसाद जी के नेतृत्व में हम राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और जन जन के नेता राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे, अभूतपूर्व स्वागत करेंगे, अभूतपूर्व। इसलिए आप तमाम लोगों को अनुरोध है कि स्वागत में आप इस सभागत बने, सहयोग करें और वहां पहुंच करके जन जन के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वागत करें, ये आपसे अपील करना चाहते हैं।